स्पोर्ट्स फूड गाइड पे खुशामदी। वीडियो अच्छे लगने पे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार वियतनामी सैंडविच जिसका नाम है बामी सैंडविच। बामी सैंडविच के बारे में और जानने के लिए एंड तक देखिए। सबसे पहले पिकल्ड वेजिटेबल बनाएंगे, तो इसके लिए स्लाइस या जूलियन एक कप खीरा लेंगे, एक कप गाजर लेंगे, एक कप मूली लेंगे, दो तीन हरी मिर्ची स्लाइस करके ले लेंगे और ये सारी सब्जियां एक बोल में डाल देंगे। अब इसको पिकल करने के लिए आधा कप शक्कर डालेंगे, एक चौथाई कप नमक डालेंगे, दो कप सिरका डालेंगे प्लेन वेनेगर और दो कप गुनगुना पानी डालेंगे। गुनगुना से थोड़ा सा गर्म डाला है मैंने। अच्छे से इसको मिलाएंगे और उसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर में 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में डाल देंगे। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप ओवरनाइट डालिए। ये रोस्टेड चिकन खप्सा की रेसिपी से बनाया है, उसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप कोई भी मैरिनेशन यूज़ कर सकते हैं, टिक्का, केजन, पेरी पेरी, जो आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप होल चिकन नहीं बनाना चाहते तो फिर आप बोनलेस पीसेस ला सकते हैं और उसको ग्रिल पे बना सकते हैं। चिकन की जगह पे आप टोफू, कॉटेज चीज़, फिश, प्रॉन्स, बीफ जो चाहें यूज़ करें। यहाँ पर मेरा चिकन रेडी हो चुका है। यहाँ पर 10 मिनट मैं इसको रेस्ट करके इसके सारे बोन्स निकाल के इसको स्लाइस कर लिया है मैंने। यहाँ पर आप चाहें तो इसको श्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्लाइस ही रखूँगी। अब मेरा फेवरेट सॉस बना रहे हैं हम, चिपोतले सॉस। एक बोल लेंगे और विस्क लेंगे और उसमें 1 कप दही डालेंगे, 2 टेबलस्पून क्रश चिपोतले इन एडोबो सॉस डालेंगे। अगर आपके पास चिपोतले चिली नहीं है तो आप घर में जो सूखी मिर्च होती है उसको तवे पे सूखा भून कर दरदरा पीस के उसके अंदर काला नमक मिला दीजिए। अब इसमें 1/2 टीस्पून भुना पिसा जीरा डालिए, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच कटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 2 बड़ी चम्मच मेयोनेज़ की डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालिए और अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे, अच्छे से मिला के किसी साइड बोल या फिर जार में भर लीजिए। इस सॉस को आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में। बामी सैंडविच में नॉर्मली फ्रेंच बैगेट यूज होती है, यहाँ पर मैंने सेसमी बैगेट ली है। बैगेट को मैंने बीच से काट के 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और अब मैं इसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। मैं 3 मिनट इसको बेक करूंगी 250 डिग्री के ऊपर। आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं। अब 1 टेबलस्पून चिपोतले सॉस ब्रेड के एक साइड पे डालिए। अब इसके ऊपर स्लाइस चिकन अरेंज कीजिए। ऑथेंटिकली देखा जाए तो मैगी सीजनिंग सॉस आता है वो डाला जाता है वियतनाम में। अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून सॉस और डालिए। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है सैंडविच को मॉइस्ट रखने का। अगर आपको सॉसी नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। इसके ऊपर अब हम पिकल डालेंगे जो हमने होममेड पिकल बनाया था, स्वीट एंड सावर, बहुत ही टेस्टी लगता है सैंडविच के अंदर। मैं यहाँ पर हरी धनिया और मूली के पत्ते यूज़ कर रही हूँ जो छोटे हैं अभी, लेकिन आप इसके ऊपर कोई भी हर्ब या माइक्रो हर्ब से गार्निश कर सकते हैं। हमारी सैंडविच रेडी हो चुकी है, तो अब सर्व करते हैं। मैंने चिपोतले सॉस और लेमन वेजेस के साथ सर्व किया है, लेकिन आप अपनी पसंद का भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। बामी सैंडविच एक फ्यूजन सैंडविच है, मगर इजाद वो वियतनाम में हुई थी। फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड था यही कोई 60 साल वियतनाम में, तो वियतनाम काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ फ्रांस से, इसीलिए इसके अंदर फ्रेंच बैगेट यूज़ की जाती है। तो उस ज़माने में वियतनामी शेफ्स जो खाना बनाते थे वो गर्म और ठंडे को मिला के बनाते थे ताकि वो टेस्टी के साथ साथ पौष्टिक भी हो। और आज भी ठंडा गर्म साथ में खाने का रिवाज वियतनाम में साफ दिखता है। तो ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ।